गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस हमें क्यों जरूरत होती है कि जो है कि अधिक उत्पादन की। तो इसका मेन द मेन एम ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू इसकी मेन है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, दूसरा है क्वालिटी इंप्रूव किया जाए, तीसरा बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस जो है कि मेंटेन रहे, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है उसमें परिवर्तन करके, फोटो इंटेंसिविटी या थर्मो इंटेंसिविटी, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स और जो है कि इच्छा से जो भी ट्रेड्स हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है ट्रेड्स उसको बनाने के लिए, जैसे आजकल जो हम कम उत्पादन वाले फसलों को बोना पसंद नहीं करते हैं, हम ऐसे फसलों को बोना चाहेंगे कि जो अधिक से अधिक पैदा करें, तभी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स पे मिले, मीठा मिले, जैसे सेब अगर मीठा नहीं है तो दैट इज़ यूजलेस, पपीता अगर मीठा नहीं है दैट इज़ यूजलेस, राइट। तो डिजायरेबल जो ट्रेड्स होते हैं लक्षण होते हैं वो पाने के लिए वाइडर एडाप्टेबिलिटी और अब देखिए मैकेनिज्म है कैसे जो है हम प्लांट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पहले, दिस इज रिफर ट्रांसपोरेशन ऑफ क्रॉप क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर कल्टीवेशन। सेलेक्शन, इसमें जो है कि वैरायटी सेलेक्शन होता है कि कौन सी वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं बोने के लिए, जैसा सेलेक्ट करेंगे जैसा बीज होगा वैसा ही होगा, राइट। सेकेंड चीज़ है मास सेलेक्शन, एक साथ सेलेक्शन करते हैं सीड फ्रॉम ए नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स और प्योर लाइन सेलेक्शन। और तीसरा देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब नई प्रजाति आती है, तो इन सब चीज़ों को तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो हाई एल्डिंग वेराइटीज होते हैं एच वाई भी हाई एल्डिंग वेराइटीज, जैसे सेरेल्स में राइस में है आई आर एट, जया हीरा वी एल धान 221, सी एस टी 71, जवाहर टी आर सी 10, आई आर 36, पूसा बासमती 1, कस्तूरी विकास पी एन आर और 591, 18 पद्मा, दीज आर द वेराइटी ऑफ राइस। ऐसे ही वीट में भी है मिक्स 11 के एम एल 7406 एच यू डब्ल्यू 318 एम ए सी एस 2496 एच डी 2687। तो दीज आर वेराइटीज। तो हम एज ए गुड फार्मर्स एंड वाइज फार्मर्स वी शुड सो द सीड विच इज हाई प्रोडक्टिविटी, राइट। और म्यूटेशन ब्रीडिंग्स, म्यूटेशन आर सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन, जैसे इसमें करते क्या है कि जो प्रोड्यूस एट द रैंडम थ्रू द गामा इरेडिएशन जो है फिजिकल और केमिकल एजेंट से ये जो है
प्राप्त किए जाते हैं नए ब्रीड्स, तो ऐसे में है देखे दिए हुए हैं लर्मा, सरबती, सोनरा और ई, ऐसे वैरायटी हैं। तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी हम नए वेरिएशन मिलते हैं। तो दीज ये हाई एडिंग्स मेथड्स हैं, मैकेनिज्म है कि कैसे आप अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जिसे जालसो दूध बिकॉज विदाउट क्रॉप प्रोटेक्शन वी कॉन्ट डू एनी थिंग्स, तो यह भी एक मैनेजमेंट जिसे जालसो टीचिंग्स वी शुड फार्मर शुड नो। जैसे फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड विद वैरायटी ऑफ पेस्ट, कई पेस्ट से वो प्रभावित होते हैं, पेस्ट आप जानते हैं कीड़े होते हैं। पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कॉज ए ग्रेट इकोनॉमिक लॉस बाय डिस्ट्रक्टिंग क्रॉप, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ क्रॉप्स प्लांट इंक्लूड वीड, इंसेक्ट, माइट, नेमेटोड्स, रोडेंट, रोडेंट्स भी आते हैं जैसे चूहे, कभी कभी चूहे जाते हैं तो वो कुतर देते हैं और उसके स्टेम्स को ही कुतर देते हैं, फसल तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। तो इसमें पेस्ट में कई कई आते हैं, पेस्ट में कौन कौन शामिल हैं, वीड्स हैं, घास फूस ये पौधे को बढ़ने नहीं देते, इंसेक्ट हैं पत्तियाँ ये चट कर जाते हैं, माइट्स हैं और इसमें दीमक हैं और नोमेटर्स नेमाटोड्स हैं, रोडेंट फंगी बैक्टीरिया वायरसेस, तो ये सब जो है कि प्रभावित करते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड बाई विच इंसेक्ट एंड डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड, तो कौन सा मेथड है, पेस्टिसाइड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड या बायोसाइड्स। पेस्टिसाइड का यूज हम पेस्ट के लिए करते हैं जिससे हम उनको बचाते हैं, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट के लिए करते हैं किलिंग द इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारने के लिए, और इनसे जब हम बचा लेते हैं तो हम फसल को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, राइट। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो वीट को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम वीट को कंट्रोल करते हैं, वीट्स क्या है, वीट क्या है, वीट्स ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो फसल के साथ आपके खेत में जो है उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, तो इनको वहाँ से फील्ड से रिमूव करना ही बेटर रहता है। इसके लिए वेटिंग्स होते हैं, कभी कभी हाथ से उखाड़ते हैं। इसमें देखिए कई होते हैं आप अमरेंथस, चेनोपोडियम और कोनोमलो भूलस, वाइल्ड ओट्स, ग्रास, दीज आर वीड्स। और ये वीड्स कैसे कंट्रोल्स होते हैं, वीड्स जो है कई दो प्रकार के होते हैं, नैरो लीफ वीड्स और ब्रॉड लीफ वीड्स, नैरो लीफ वीड्स और ब्रॉड लीफ वीड्स। तो नैरो लीफ वीड्स में जो है मोनोकॉट वीड्स होते हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन में, तो खरीफ सीजन में है साइप्रस, रोटंडस, मोथा जिसको बोलते हैं, आप लोग मोथा का नाम सुने होंगे, और दूसरा है वाइल्ड सोरघम, जंगली ज्वार, और रबी सीजन में मिलेंगे फलेरियास जिसको मंदूसी बोलते हैं, और वाइल्ड ओट्स जिसको जंगली जय बोलते हैं। और इधर ब्रॉड लीव्स में बड़ी चुप पत्तियों में आ जाएंगे, तो खरीफ सीजन में आप रैंथस है, तिरंथ है, साथी है, जेंथियम, स्ट्रोमियम इसको गोकुरु बोलते हैं, और चेनो रबी में आ जाएंगे तो चेनोपोडियम एल्बम है जिसको बथुआ बोलते हैं, बथुआ का नाम आप लोग सुने होंगे, कितने लोग बथुआ खाते भी हैं, और कोनोलियस ये जो है आपका हिरनपुरी है, और ऑर्थेनियम हाइस्टर कोरस ये गाजर ग्रास है। तो ये ऐसे हैं इनको दूर करने के लिए ये वीड्स के मैंने क्लासिफाई किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीड्स के क्लासिफिकेशन, यू कैन सी हियर। और इसके साथ मेथड ऑफ वीड कंट्रोल्स, कौन कौन से मेथड हैं वीड कंट्रोल के लिए, तो पहला मैकेनिज्म मैकेनिकल मेथड, पहला मेथड है हाउ टू कंट्रोल वीड, अगर इसको पूछा जाए हाउ टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, पहला मेथड है मैकेनिज्म मेथड। मैकेनिकल इस मेथड में मैकेनिकल मेथड क्या है इसको समझ लीजिए,
इसमें हम अपरूटेड वीडिंग्स जो वीड्स होते हैं उसको अपरूट कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। अब उसको चाहे जैसे उखाड़ते हैं खुरपी की सहायता से, हैंड होइंग, स्क्रैपर्स, इंटरकल्चर, प्लाइंग, बर्निंग, फ्लडिंग, जैसे भी करें उसको हम दूर करते हैं, राइट। तो दिस इज द मैकेनिकल मेथड। जब वहाँ पे हम एक तरह से टेक्निकल वर्क लगा के करते हैं। दूसरा कल्चरल मेथड, दूसरा जो परंपरा मेथड है वो क्या है इसको देखो। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें तो हाथ उखाड़ते हैं और एक वो मशीन आता है वो हैंड होइंग हैंड से, और इंटरकल्चरल जो होते हैं प्लाइंग, फल, बर्निंग, फ्लडिंग, ये सब करके भी हम उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा देन यूज द फॉलोइंग मेथड, प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, राइट। इसमें जो है बेड प्रिपरेशन यानी जो बेड है सॉइल से उसके टाइमली जो है बुवाई, और जो है क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये सब आते हैं। केमिकल मेथड में इसमें केमिकल छिड़काव करते हैं, वीड्स को केमिकल्स वीडिसाइड डालते हैं, क्योंकि केमिकल मेथड क्या होता है इसमें केमिकल का मेथड छिड़काव करके हम दूर करते हैं, इसको भी देख लीजिए क्या क्या होता है। केमिकल मेथड में आर स्प्रेड ऑन वीड्स टू डिस्ट्रॉय किल देम, उनको नष्ट करने के लिए उन पर छिड़काव किया जाता है। दिस इज केमिकल कंट्रोल वीड्स। इसमें जो है कई एग्जाम्पल हैं वीडी साइड्स के, वीडी साइड्स आपको मार्केट में मिल रहे, जैसे 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्स, एसिटिक एसिड, एंट्राजाइन और फ्लोचोरोला लिंस, आइजोप्रोटोरान, ये जो है ये केमिकल्स का छिड़काव करके हम वीड्स को समाप्त कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए आप। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स इसमें जो है वीड्स डिलीवरेट यूज ऑफ इंसेक्ट और समादर ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम कर जाते हैं और उस वीड्स को नष्ट कर देते हैं। तो वेस्ट इंडियन एग्जाम्पल ऑफ जैसे प्रिकली नियर कैक्टस बाई यूजिंग, इसमें जो है इंसेक्ट एक आता है ऑप्टंटिया, ये एक ऐसा है कि जिसको वहाँ पर लगा देता है तो वो उसका यूज कर जाता है। ऐसा यूज महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और जनरली कम्बिनेशन वन आवर दीज वीड्स कंट्रोल मेथड्स, इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। और वीड्स के क्या इफेक्ट रहते हैं पौधे पर, सबसे बड़ी बात है कि वीड्स जो है यह प्रॉपर स्पेस नहीं प्रोवाइड करते ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को जो है बाधित करते हैं। और वीड स्प्रेड क्रॉप पेस्ट एंड डिसीजेस बाय एक्टिंग एज अल्टरनेट होस्ट टू इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सम वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच में इंटरफियर विद ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कुछ ऐसे होते हैं जहरीले प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स गेट मिक्स्ड विद द क्रॉप प्रोड्यूस टू डाउनग्रेड इट्स क्वालिटी। तो ये सब है पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं। Dear students, I will teach the next chapter, next topics on next day. Thank you very much. Good day.